कलीन तैयार की थी। ये जो है ये आप लोगों के सामने कलीन बन रही है। ये जो कलीन है ये आमतौर पे ये घरों में यूज होती है भाई या दुकानों पे या ये बाहर जाती है लाहौर जाती है। लाहौर से फिर कहाँ जाती है ये आगे दूसरे मुल्कों में? तो आप ऑर्डर पे बनाते हैं या वैसे ही? ऑर्डर पे बनाते हैं आप ये। तो भाई ये एक कलीन कितने दिन में तैयार कर लेते हैं आप? ये तो कारीगर के जी, आप कारीगर है ना? नहीं वो तो लोगों को भी करते होती हैं जितने ये तो दस्ताना के बाद चले जाते हैं। अच्छा पहले मैं गया लाहौर माल चाहिए अड्डा चार दी छोटा साढ़े चार फुट बोखला गैर अंग्रेज आया तस्वीर बनाई सारा कुछ किया दो बार होते हैं सारे दो बार भरे सारे खर्चे दो बार कराया ना त्री हजार खर्चा खर्चा जरा कभी सर खाली गाड़ी का किराया 30,000 उन्होंने खर्चा किया। और मजदूरी क्या सारी है जो तैयार हो जाती है कार के? ये फिर सर आप कितने में बेचते हैं क्लीन? ये एक क्लीन कितने की जाती है? ये वो सेट होता है 40-50 में तो चली जाती होगी। ये सारा वाला इतना खर्चा है ना ये 400 रुपए ये वाला धागा पहनना ये धागा है बड़ा ही 400 दे ये एक ये खाली ही 400 दे 21,000 इसी खाली मजदूरी है कारीगर दी बनावण दी 21,000 खाली मजदूरी ही क्लीन दी यानी के ही क्लीन है तैयार थी सी ना चाहे दाढ़ियां तैयार थी वे पांडियां च वीडियां च 21,000 रुपए दी मजदूरी है ओ क्लीन दी ये क्लीन तैयार कर लिया। ये वही क्लीन है जो आप अंदर से देख कर आए हैं इसको ये देखो ये वही धागा है जो शुरू शुरू में लग रहे है ये वाला जिसको सेट कर रहे थे कारीगर। ये जो ऊन है ये वाली ऊपर नीचे वाली वो जो आपको दिखाई है जो भाई कह रहा है 400 रुपए का एक हमें मिलता है वो है इसकी धुलाई होगी अभी जाके यानी कि अभी ये तैयार की है इसको बाद में धोएंगे चमकाएंगे फिर इसको मार्केट में लेके आते हैं भाई। अभी तो ये वैसे पड़ी है ना बना के इन्होंने ऐसे ही रखी है अभी। ये जो कलीन है ये जो अब आपको हम विजिट करा रहे हैं मसागोटा जो एक गांव है ज़िला लोधरा तहसील करोड़ पक्का ये उस इलाके में ये बनाई जाती है। ये आप नीचे से भी इसको दिखाएं कैमरे से और इसको ऊपर से भी दिखाएं ये वही कलीन है जो उधर सामने कारीगर तैयार कर रहे थे। इसकी खाली मजदूरी 21,000 रुपये है तो ये बिकती कितने में होगी तैयार हो गया है? तो चाहे ये 10 दिन में बना लें कारीगर जो होते हैं चाहे 5 दिन में ये उनके ऊपर होती है कारीगर के ऊपर। और ये ज़्यादातर इनकी डिलीवरी जो है लाहौर होती है लाहौर से फिर बाहर मुल्कों में ये जाती है दूसरे ममालकों में।
ये नीचे वाला शायद है, ये ऊपर वाला शायद है, और ये थोड़ा सा जहाँ पे ये तैयार हो रही है, ये मसा कोटा जो है एक देहात है तहसील करोड़ पक्का की, ये इस जगह पे ये तैयार की जाती है और बड़ा उम्दे तरीके से तैयार की जाती है। कारीगर इसको अच्छे तरीके से बड़ा टाइम लगाते हैं, इस पर बड़ी मेहनत है, ये देख रहे हैं आप, इसका एक एक धागा जो है ये बड़े अच्छे तरीके से और मजबूती तरीके से इन्होंने किया हुआ है। ये आप चाहे आप इसको बैठक रूम में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप अपने कमरे में यूज़ कर सकते हैं, नीचे फर्श के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीन तौर पे। ये मसे कोटे का बाजार है जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये अब मसे कोटे का जो बाजार है उसकी हम लोकेशन आपको दिखा रहे हैं। ये मसे कोटे की आबादी है, यहाँ पे आबादी के बीचम बीच जो है बाजार है, आबादी के सेंटर में ही ये आपको दिखा रहे हैं दुकानें, जो कि कारोबार ना होने की वजह से दुकानें बंद हैं, बेरोज़गारी की वजह से जो है कारोबार नहीं है लोगों का। ये आप देख रहे हैं मेरे दोस्त मदर जिशान 72 को, जो कि ये एक किले के ऊपर खड़े होके जो है इधर उधर नज़ारा कर रहे हैं, शायद कहीं से नज़ारा कोई नज़र आ जाए। तो इनको लगता है नज़ारा तो नज़र नहीं आ रहा, पर हल्की स्माइल से माशाल्लाह मुस्करा ज़रूर रहे हैं, और इनकी आंखें जो है शिकार के तलाश में हैं, शिकार मिल नहीं रहा। तो बहरहाल इधर उधर मेरे भाई मज़र भाई बड़े फ्रेश मूड में, और मौसम भी बहुत प्यारा है यहाँ का मसे कोटे का, जो कि तस्वीर भी मेरे यार की बहुत अच्छी आ रही है। एक तो इन्होंने काटन का सफ़ेद सूट लगाया हुआ है, ठीक है, और कलर से कैसा भाई है।